नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन से खबर है जहां नर्मदा नदी में नाव पलटने के मामले में लापता तीन चुके हैं। एएसपी अमृत मीणा ने इसकी जानकारी दी है। बता दें नरसिंहपुर रायसेन पुलिस और होमगार्ड की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी। कल नाव पलटने से हादसा हुआ था। बताया जा रहा था कि नाव पर 9 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली थी और 3 लोग लापता थे। इस खबर पर अपडेट अब ये मिला है कि तीनों लापता लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। एएसपी अमृत मीणा ने इसकी जानकारी दी है। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राशिद फोन लाइन से जुड़ गए हैं। राशिद, क्या अपडेट आपके पास? शुभांगी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसा कि बंसल न्यूज ने पहले ही आगाह कर दिया था, कल के मामला पूरा असमंजस में था। हालांकि पूरा जो मामला नरसिंहपुर जिले के जो पिटरास घाट पर ही तीनों शवों को रिकवर कर लिया गया है। ऐसे कि जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि देर रात के चलते जो है रेस्क्यू रोक दिया गया है। नाव में जो 9 लोग सवार थे, 6 लोग बावस्किल जो है तैरकर वापस आ गए थे, लेकिन तीन लोग जो एक ही परिवार के थे वो जो है नाव से डूब गए थे, जिनके शवों को तीनों शवों का भी रिकवर कर दिया गया है। एसपी विकास सहवाल से बंसल न्यूज की बात हुई है, उनका यही कहना था कि पानी अधिक होने के कारण और देर होने के कारण जो है डिले हुआ, लेकिन तीनों डेड बॉडियों को जो है रिकवर कर लिया गया है। काफी नाजुक मामला है। जैसा कि कल से बंसल न्यूज बताता चला आ रहा है कि इस तरीके के जो है हादसे निंदनीय है, गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सुभांगी यहाँ पर देखने को मिली है कि जर्जर हालात में जो है नाव लोग चला रहे हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है कुंभकर्ण की नहीं सोया हुआ है। हम आपको बता दें, अगर ये प्रशासनिक अमले अगर देख रेख में ये काम होता, अगर नाव को ठीक तरीके से देख लिया जाता, तो शायद ये हादसा नहीं हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिसको लेकर प्रशासन को बेहद ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि इस तरीके के हादसे न हो। शुभांगी, बिल्कुल राशिद, प्रशासन की लापरवाही तो है ही, साथ ही साथ एक सवाल ये भी है कि 2021 में भी लोग नाव पर चढ़ने के लिए, नाव से नदी पार करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में एक ऐसे प्रयास होने चाहिए या वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए जिससे लोगों को नाव पर इस तरह से सफर करने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत धन्यवाद राशिद तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, नर्मदा नदी में नाव पलटने से एक हादसा हुआ था, 3 लोग इसमें लापता थे, तीनों के शव बरामद हो चुके हैं। कल रात ये हादसा हुआ था जहां 6 लोगों ने तैरकर जान बचा ली, लेकिन 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। आगे बढ़ते